हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो तीसरा ओडीआई था उसमें पूरी दुनिया कह रही थी कि भैया इंडिया जीतेगी और सीरीज को लेवल करेगी, लेकिन हमने प्रेडिक्शन किया था कि श्रीलंका ये सीरीज जीत रही है और श्रीलंका जीती भी। उसी तरीके से द 100 में भी हमारे प्रेडिक्शन बहुत ही शानदार जा रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द 100 2024 के 22वें मुकाबले की, जो कि ओवल इनविजिबल और साउदर्न ब्रेव के बीच में खेला जाने वाला है। टेबल टॉपर टीमें आपस में भिड़ रही है, ऐसे में बड़ा ही कन्फ्यूजन होगा कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम से कौन कौन से प्लेयर चलेंगे, किसको टीम मिलने किसको ना ले, तो ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इस मैच का प्रेडिक्शन किया जाएगा, आपको बताएंगे कौन सी टीम मुकाबला जीत सकती है, उसके अलावा फैंटेसी टीम के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें इस मैच से रिलेटेड करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दो, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है इस मैच की फाइनल अपडेट टीम देखने को मिलेगी, दिन के और भी मैचेज होते हैं। 100 विमेन जो है, महिलाओं का जो 100 जो चल रहा है वो भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर कवर कर रहे हैं, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, @IndianNewsExperts के नाम से सर्च कर सकते हैं। बेटर ये रहेगा कि लिंक से ज्वाइन करें, बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं उनसे बच के रहना है। पिच रिपोर्ट से शुरुआत करते हैं, तो क्रिंगटन ओवल लंदन में मुकाबला है 8 अगस्त को 11:05 से शुरू होगा। शुरुआत पिच रिपोर्ट से करते हैं, तो इस वेन्यू पर दी 100 के 14 मुकाबले हो चुके हैं, 140 प्लस का एवरेज स्कोर है, बहुत अच्छा एवरेज स्कोर है, 6 मैच डिफेंस 7 मैच चेस हुए हैं, यानी कि चेस डिफेंस में से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, ऑलमोस्ट इक्वल रिकॉर्ड है और 4 बार यहाँ 170 प्लस बन चुका है, यानी कि बैटिंग सर्फेस हमें देखने को मिलती है, 2 बार 150 to 170, 5 बार 130 to 150, यानी कभी कभी बैटिंग बॉलिंग दोनों को विकेट फेवर करती है और बहुत कम ऐसा होता है जब लो स्कोरिंग मैच होते हैं, सिर्फ 3 बार 130 से नीचे का स्कोर बना है। यहाँ की जो विकेट है बैटिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छा बाउंस स्विंग हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ पेसर्स के लिए थोड़ा बहुत मदद है और कभी कभार यहाँ जो है गेम प्रोग्रेस जैसे जैसे होता है स्पिनर्स गेम में आते हैं और स्पिनर्स भी अच्छी गेंदबाजी करने लगते हैं, जैसे कि इस साल दोनों ही मैच जो है उसमें स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी करी है। देखिए 6-6 विकेट दोनों मैचों में निकाला है, यहाँ 8 विकेट पेसर्स 6 विकेट पेसर्स, तो पेसर्स स्पिनर्स दोनों ने अच्छी गेंदबाजी करी है। यहाँ देखिए 89 पे टीम ऑल आउट हो गई और 8 विकेट से ओवल जीती, यहाँ 145 बना 5 विकेट और यहाँ 9 विकेट गिरा, 19 रन से नॉर्दर्न ने इस टोटल को डिफेंड किया था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बैटर्स को भी मदद मिल रही है, गेंदबाजों को भी मदद मिल रही है, पेसर स्पिनर दोनों अच्छा कर रहे हैं, यानी कि पूरा बैलेंस विकेट हमें देखने को मिला। पिछले साल तो भैया एक तरफा बैटिंग फ्रेंडली विकेट देखने को मिलती थी, 196 बनता था चेस हो जाता था, 148 बनता था आसानी से चेस हो जाता था, इस साल जो है डुअल नेचर विकेट का देखने को मिल रहा है, एक बार फिर से 140-150 यहाँ पे फाइटिंग टोटल हो सकता है। उसके अलावा जो है 14 मुकाबलों में अगर पेस बनाम स्पिन आंकड़े की बात की जाए तो 109 विकेट पेसर्स ने और सिर्फ 59 विकेट स्पिनर्स ने लिए, पेसर्स ज़्यादा अच्छा करते हैं इन कंपेरिजन टू स्पिनर्स। हेड टू हेड मैचों की बात की जाए तो 3 मुकाबले हुए हैं, 2 ओवल और 1 साउदर्न ब्रेव की टीम जीती है, यहाँ पर ओवल का पलड़ा भारी है। अगर पॉइंट्स टेबल पर नज़र डाली जाए तो दोनों टीमें इस साल बहुत अच्छा करी है, दूसरे नंबर पे है ओवल, पहले नंबर पे है साउदर्न, और नंबर्स ऑफ विनिंग मैचेस देखा जाए तो 4-4 मैच दोनों टीमें जीती है, 1-1 मैच दोनों टीमें हारी है, तो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इक्वल रहा है दोनों टीमों का। अब मजा आने वाला है यहाँ पे ओवल इनविजिबल की बात करते हैं, तो ओवल की टीम बहुत अच्छा करी है, बैटिंग में सैम विलिंग बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, विल जैक भी अच्छे फॉर्म में, और एक मैच में डेविड मलान भी चले थे, हालांकि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, बट डेविड मलान ने अभी एक मैच पहले ही अपना फॉर्म दिखाया था। सैम करन बहुत अच्छे फॉर्म में, बैक टू बैक 50 जड़ रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा कर रहे हैं और टीम को मैच जिता रहे हैं। उसके अलावा एडम जंपा लगातार विकेट ले रहे हैं, तो इनके स्पिनर्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और गेंदबाजी में बैटिंग के साथ साथ सैम करन गेंदबाजी में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। पिछले मैच के स्कोर कार्ड पर नजर डाल जाए तो विल जैक ने यहाँ पे 41 बनाया सिर्फ 20 गेंदों पर, एक मैच पहले मेलन भी चले थे 68 बनाया सैम करन ने, ऊपर आ रहे हैं बैटिंग के लिए, जॉर्डन कॉक्स 14 सिर्फ बना पाए और सैम बिलिंग ने 12 गेंदों पे 24 रन बनाए, तो सैम बिलिंग भी अच्छे टच में नजर आए, बैटिंग तो काफ़ी अच्छी हो रही है, डिपेंडेंसी 2-3 बल्लेबाजों पे है, विल जैक, सैम करन, सैम बिलिंग, ठीक है, अगर ये निकल गए तो फिर मैच फंस सकता है, बट बहुत गहरी बल्लेबाजी है, टॉम करन यहाँ तक बल्लेबाजी है, फरेरियो भी बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है। गेंदबाजी की बात की जाए तो पिछले मैच में 20 गेंदों पर 47 स्पेंसर जॉनसन ने खर्च किए, विकेट नहीं मिला, इनका फॉर्म टीम के लिए कंसर्न है। टॉम करन भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं इस साल, स्वेटर अच्छा कर रहे हैं नथन स्वेटर, एडम जंपा लगातार अच्छा कर रहे हैं, उसके अलावा सैम करन बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में अच्छा कर रहे हैं, विल जैक भी गेंदबाजी कर रहे हैं वो भी अच्छी कर रहे हैं, तो गेंदबाजी में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं और स्पेंसर जॉनसन का फॉर्म जो है टीम के लिए कंसर्न जरूर है, बट बाकी गेंदबाज बहुत अच्छा कर रहे हैं। पिछले मैच में 164 डिफेंड करते 3 रन से जीते थे और मैनचेस्टर ऐसा लग रहा था कि 164 चेस कर लेगी, लेकिन लास्ट में गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई और 3 रन से ये लोग मैच जीत गए, एक हारी हुई बाजी को ये लोग जीत गए।
पिछले 5 मैचों में दोनों टीमें 4-4 मैच जीती है, एक एक मैच हारी है। टॉप फैंटेसी पिक में डेविड मलन हमारी पहली पसंद रहने वाले हैं। पहले अभी एक मैच पहले ही 38 बनाया था, यहाँ 31 का स्कोर देखने को मिला है। और साउदर्न ब्रेड बहुत पसंद है, 250 है चार पारियों में 146 रन है, 48 का एवरेज है। तो यहाँ पे मलन के पास एक बेहतरीन मौका है एक अच्छी पारी खेलने की, चल सकते हैं। दूसरी पसंद विल जैक, 41 रन, एक विकेट, यहाँ 25, यहाँ 2 विकेट, यहाँ बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही अच्छा कर रहे हैं। और ये देखिए एक सेंचुरी है साउदर्न के खिलाफ, 39 रन यहाँ, 13 एक विकेट यहाँ, 3 पारियों में 160 रन है और 1 विकेट है साउदर्न के खिलाफ, 13 पारियों में 365 और 4 विकेट है इस वेन्यू पर। तो विल जैक कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी एक परफेक्ट पिक हो सकते हैं। 20 गेंदों पे 40 आखिरी मैच में बनाया था। उसके अलावा जॉर्डन कॉक्स को हम स्किप कर रहे हैं। सैम करन हमारी अगली चॉइस है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी, इनको बना सकते हो। 68 2 विकेट, 51 5 विकेट, 2 विकेट, 20 2 विकेट, गजब की गेंदबाजी करें, बैटिंग भी कमाल की, बॉलिंग भी कमाल की, 50-50 जड़ रहे हैं, 2 2 विकेट, 3 3 विकेट हर मैच में ले रहे हैं और एक मैच में तो 5 विकेट भी निकाला था। तो ये एक बेहतरीन पिक हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। सैम बिलिंग एज ए विकेट कीपर हमारी टीम में पिछले मैच में 12 गेंदों पे 24 रन बनाया था। हालांकि यहाँ पे नंबर्स देखे जाए तो कुछ खास नहीं है, साउदर्न के खिलाफ भी कुछ खास है नहीं, तो आप रिस्क की टीम से ड्रॉप कर सकते हो। फरेरियो का हम स्किप कर रहे हैं। उसके अलावा जो है हमने लिया इनकी टीम से एडम जंपा को, टॉम करन को आप चाहो तो ले सकते हो, 3 मैचों से विकेटलेस गए हैं और साउदर्न के खिलाफ आखिरी बार जब खेले थे 43 रन बनाया था और 3 विकेट भी लिया था, 11 पारियों में 13 विकेट इस वेन्यू पर है। और ये देखिए इस 3 इनिंग को छोड़ दिया जाए तो 48 1 विकेट, 24 3 विकेट इस तरीके का प्रदर्शन किया, तो लेना है तो ले सकते हो। मैंने एडम जंपा को लिया, 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 3 विकेट लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और उस वेन्यू पर 4 पारियों में 8 विकेट ले चुके हैं, तो ये अच्छी पिक हो सकते हैं। स्पेंसन जॉनसन फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको स्किप किया जा रहा है। नेथन स्वाटर को भी फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं। साउदर्न ब्रेव की बात की जाए तो ये टीम भी बड़ी कमाल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रही, बड़े ही कमाल की बल्लेबाजी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जेम्स विंस पे बल्लेबाजी पूरी तरीके से डिपेंड है। पिछले मैच में देखा जाए तो 139 इन्होंने बोर्ड में बनाया था जिसमें 73 तो भैया जेम्स विंस ने बना दिया। उससे पहले वाले इसमें मैच में अकेले 90 रन इन्होंने बनाया था, थोड़ा बहुत पोलार्ड ने योगदान दिया था और पिछले मैच में भी पोलार्ड ने 17 रन बनाए, इन्होंने अच्छा एक दौरान दिया। तो ये 2 बल्लेबाजों पर ये टीम चल रही है, बाकी सब बल्लेबाज कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में जेम्स विंस अगर जल्दी आउट होते हैं तो ये टीम सस्ते में निपट सकती है। इस टीम की स्ट्रेंथ है इनकी गेंदबाजी देखिए, टाइमन विंस 4 विकेट 3 विकेट 2 विकेट हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं, क्रिस ओवरटन अच्छा कर रहे हैं, अकील हुसैन इनके पास मौजूद हैं, तो गेंदबाजी बड़ी कमाल की है साउदर्न ब्रेव की। दैट्स वाई ये टीम बैक टू बैक मुकाबले जीत रही है और बल्लेबाजी में जेम्स विंस अकेले गेम चला रहे हैं, तो ये एक कंसर्न है कि जेम्स विंस अगर निकल जाएंगे तो फिर इनका क्या होगा। जेम्स विंस के अलावा इनके पास लॉरी वांस, पोलार्ड, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी एलेक्स डेविस इनके पास मौजूद हैं। टॉप फैंटेसी पिक की बात की जाए तो जेम्स विंस पहली पसंद, 73 90 20 19 56 फॉर्म तो बहुत अच्छा है और इस वेन्यू पर 3 पारियों में 116 रन है और 116 का एवरेज भी है, तो जेम्स विंस को कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए देख सकते हो। एलेक्स डेविस के साथ हम रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 16 30 24 28 फॉर्म उतना अच्छा तो नहीं है, बट एज ए विकेट कीपर ये एक बेहतरीन पिक हो सकते हैं। सैम बिलिंग बहुत नीचे आते हैं तो उनको ड्रॉप किया जा सकता है। लॉरी वांस को हम स्किप कर रहे हैं, डुपली को भी हम स्किप करें। कैरन पोलार्ड को हमने पिक किया, यहाँ 17 यहाँ 38 यहाँ 37 यहाँ 33 एक विकेट, फॉर्म अच्छा है इनका, किसी भी दिन ही ब्लास्ट कर सकते हैं, बड़ी पारी खेल सकते हैं और गेंदबाजी का भी ऑप्शन आ जाता है इनके साथ। उसके अलावा क्रिस ओवरटन को भी चाहो तो ले सकते हो, 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट इस तरीके गेंदबाजी करी। हमने लिया क्रिस जॉर्डन को जो कि 2 2 विकेट 3 3 विकेट हर मैच में निकाले और बैटिंग का भी ऑप्शन है, आखिरी मिनट में ओवल के खिलाफ भी 3 विकेट लिया था। अकील हुसैन ने भी अभी हाल ही में 3 विकेट लिया था, तो चाहो तो इनको भी ले सकते हो, बट हमने लिया डेनी ब्रिंग्स को जो कि 3 विकेट यहाँ लिए, 3 विकेट यहाँ, 2 विकेट यहाँ, 3 विकेट यहाँ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। टाइमन मिल्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, 4 4 विकेट 2 2 विकेट 3 3 विकेट हर मैच में निकाल रहे हैं और इस मैच में भी अच्छा कर सकते हैं। आइए टीम देखते हैं, तो सेफ टीम में है सैम बिलिंग एलेक्स डेविस दोनों हैं, आप चाहो तो सैम बिलिंग को ड्रॉप कर सकते हो। जेम्स विंस, डेविड मलान, पोलार्ड, जॉर्डन, ओवरटन, कैप्टन जो है सैम करन, वाइस कैप्टन विल जैक, वाइस कैप्टन एडम जंपा और टाइमन मिल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए विल जैक भी बेहतरीन पिक हो सकते हैं, जेम्स विंस को भी ट्राई किया जा सकता है, बहुत सारे विकल्प हैं। रिस्की टीम में एलेक्स डेविस हैं, कैप्टन जो है जेम्स विंस, डेविड मलान, कैरन पोलार्ड, जॉर्डन ओवरटन, सैम करन, वाइस कैप्टन विल जैक, ब्रिग जंपा और टाइमन मिल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बाकी जो भी फाइनल अपडेट टीम होगी टेलीग्राम पर आ जाएगी, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, लिंक से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फाइनल प्रेडिक्शन इस मैच में फाइनली कौन सी टीम जीत सकती है वो मैं टेलीग्राम पर मैच से 1.5 घंटे पहले बता दूंगा। साथ साथ दी 100 वीमेंस जो है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए।
विनर की बात की जाए तो 50-50% दोनों टीमों के जीतने के चांसेस है। दोनों टीमें बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन इस साल कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत भी हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवल इनविजिबल की टीम ये मुकाबला जीत सकती है। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू मी ओवल इनविजिबल में बी द विनर ऑफ दिस गेम। बाकी आपको क्या लगता है, ओवल जीतेगी, साउदर्न जीतेगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोनों टीमों की बल्लेबाजी कुछ ही बल्लेबाजों पर डिपेंड है और गेंदबाजी दोनों टीमों की अच्छी हो रही है, तो ऐसे में बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाला मैच होगा। मुझे लगता है ओवल जीतेगी, आपको क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।